वीडियो में व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से अतिथि वक्ता के हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। 10 अक्टूबर 1998 को मेरी मुलाकात हुई थी जनाब उस्मान जान खान साहब से। उस वक्त उस्मान बहुत कमसिन थे, बहुत जियाले थे, जियाले तो आज भी हैं और कमसिन आज भी हैं, लेकिन उस ज़माने में उनका नाम रिवील करना कानूनन एक गलत बात होती थी। उस वक्त तक वो पुलिस विटनेस नंबर 2 थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बादशाह खान, हु इज़ द हीरो ऑफ 1993 ब्लास्ट। आप लोगों को पता होगा कि ये उस्मान भाई की टेस्टमनी, उनकी बहादुरी और ये उनका डेडिकेशन था जिसने इतनी बड़ी साजिश, इतने बड़े केस को अनर्थ किया, एक्सपोज किया, कन्विक्शन में रिजल्ट हुआ और उस्मान भाई ने उस वक्त देश का साथ दिया। यानी आप सोचिए कि ये अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे एक बहुत ही मुखलिस मुसलमान जो है वतन परस्त हो सकता है, देशभक्त हो सकता है और ये लोगों की वो बेकार तमाचा है जिनको लगता है कि मुसलमान जो है वो देशभक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को ख़तरे में डाल करके उन्होंने पुलिस का साथ दिया और राकेश मारिया साहब के साथ मिल करके उन्होंने ब्लैक फ्राइडे यानी 1993 के इस इन्वेस्टिगेशन को हल किया और ये किया। आज इस 25 साल की दोस्ती को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उस्मान भाई से विले पार्ले के एक छोटे से घर में मिला करता था और रोज़ सुबह के बहुत ज़्यादा दिन भर गुजारता था। मुझे पता नहीं कि इनकी वाइफ उसे नाराज़ होती थी, नहीं होती थी, क्या होता था, बट एनीवे वो मेरे साथ बुरे दिन गुजारते थे, हम लोग बात करते थे और इस तरह से मेरी किताब जो है वो शेप में आई। बादशाह खान का रोल आदित्य श्रीवास्तव ने किया था ब्लैक फ्राइडे में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी आपकी दोस्ती को 25 साल पूरे हो रहे हैं आज के दिन और आज ही के दिन आप मुझसे मेरे घर पे बैठे हो जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ नए कॉज के साथ। बिल्कुल, विले पार्ले में आपके पास आया करता था मैं, आपको याद है एकदम सैटरडे मॉर्निंग बहुत ज्यादा और फिर पूरे दिन आपके पास रहता था मैं। तो उस्मान भाई एक्चुअली चूंकि हमारे जो बहुत से नए लोग 25 साल में मतलब शायद बच्चे पैदा हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, दे हैव लाइक सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कुछ इनको बताइए अपने बारे में, इस 93 ब्लास्ट के बारे में कुछ चीज़ें जो भी क्या हुआ कैसे हुआ। 93 ब्लास्ट तो खैर सभी आप तो उसको पूरा कवर किए हो, आपको पता है उसके ऊपर, आपने आप ही एक शख्स हो जिसने मूवी बनाई है जी और बुक बनाई है जी। तो ब्लैक फ्राइडे तो खैर जो हुआ उसके अंदर जो हमारा रोल था, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था, जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो सच्चाई को सामने लाना था जी, तो वो हमने लाए और उसके लिए हमने हमारी ना जान की परवाह की, ना अपने परिवार की परवाह की, ना हमने किसी तरीके का कोई इस तरह का कोई चीज़ को हमने वो किया जी। तो खैर ब्लैक फ्राइडे का दौर निकल गया, उसके बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद में बच्चे छोटे थे वो दौर में जी। अब बच्चे 25 साल बाद आप मिल रहे हो तो माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं मेरे जी, जी। और उसमें से बड़ी बेटी जो है मेरी लॉयर है जी, और छोटा वाला बेटा अभी नेक्स्ट ईयर लॉ कंप्लीट कर लेगा जी, और बीच वाला जो बड़ा वाला बेटा है वो एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनर है जी। तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली परिवार हो गया जी। और एक खुशखबरी ये है कि 7 दिन पहले मैं नाना बन गया हूँ। वाह उस्मान भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। 7 दिन पहले मैं नाना बना हूँ जी, और बच्ची का नाम आयजा है जी, आयजा, आयजा जी। और अब मेरे घर में 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह जी पोता भी आने वाला है माशाल्लाह, तो शायद अब नाना दादा एक साथ बन जाएंगे, दोनों बन जाऊंगा ये दिसंबर 23 में, क्या बात, जिसमें हमारे साथ 25 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, यानी अल्लाह ने आप पे जो है खुशियों की बौछार कर दी एक साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उस्मान भाई खाली मैं एक बैकग्राउंड थोड़ा जानना चाहूंगा कि उस जमाने में क्या हुआ था और टाइगर मेमन कैसे मिला था और कैसे थोड़े से बहक गए थे और फिर कैसे कहाँ से वापस आ गया। अब इतना बड़ा अरसा हो गया है, उस बातों को कहाँ मुझे याद दिला रहे हो, मेरे बच्चों को वो चीज़ों के बारे में पता चले। और किताब तो सबने पढ़ी हुई है, मूवी तो सबने पढ़ी हुई, मूवी देखी हुई है, और बीती हुई बात है। अब ये है कि हम कुछ अच्छे काम कैसे आने के बाद वो दौर के बाद जी कर सकते हैं और करे हैं जी, उसके बारे में हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, सिर्फ खाली ब्रीफ ही बता दिया खाली मेरे ऑडियंस के लिए क्या हुआ था, 2-4 मिनट में, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं ताकि लोगों को बैकग्राउंड आ जाए। देखिए उस वक्त में दौर में बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था जी,
जो बाबरी मस्जिद का इशू इस तरह से फैला जी, हम लोगों को तो उस वक्त अकल भी नहीं थी, कुछ नहीं था जी, तो जज्बात के अंदर जी, और भड़का हुए लोगों ने जो भड़काया और जो माइंड वॉश किया जी, उसके अंदर ये हादसा हुआ जिसमें राइड्स भी हैं, जिसके अंदर ब्लास्ट भी हैं, जिसके अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत भी है जी, और इस तरह से सब मामले थे। लेकिन ये दिनों में अब हम नए तरीके में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को देख रहे हैं जी, बस ये फर्क आया है और ये चीज है। तो पहली बार आपने कब सोचा कि आपने टाइगर मेमन के करतूत को एक्सपोज करके पुलिस का साथ दें? हम नहीं, वो तो उस वक्त में जब हमने बताया गया कुछ और, कराया गया कुछ और। इन बातों को इग्नोर तो कर सकते नहीं है आपने, बहरहाल जो है वो टाइगर मेमन के साथ थे और उसके साथ रहने के बाद आपने इन चीज़ों में हिस्सा लिया था, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग साफ साफ जो है हम लोग अगर उसको एक जवाब दे दें कि क्या हुआ था टाइगर मेमन के साथ, तो फिर कैसे आपके दिल में बदलाव आया? देखिए, असल में उस वक्त में ये था कि भाई कौम के लिए जज्बात में लाया गया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं हूँ या जितने भी लोग थे जी, और टाइगर मेमन को हमारी नज़र में जो था ना, वो ये किया था कि भाई ये एक अच्छा काम करने वाला है, मगर स्मगलर है जी, अच्छा काम करने वाला जी, लेकिन वो इस तरह से धोखा दे के जी और देश के अगेंस्ट में हमको कराएगा जी, ये किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, तो उसके बाद में जब ये हुआ, उसने बहका दिया, गुमराह कर दिया, गुमराह किया जी, सिर्फ और सिर्फ जी टारगेट दिया था उसने बाबरी मस्जिद जी, और ये जो 92 के राइट्स हुए, गुजरात के राइट्स हुए, उसके ऊपर उसने हम लोगों को माइंड ब्रेन वॉश किया था जी। अब वो उसका फायदा उसने उठाया जी, या तो हमारी नासमझी का उठाया या जो भी उठाया, जो उस वक्त के दौर के हिसाब से हुआ। आप कम सिंह भी थे उस वक्त ना? हाँ, सभी लोग वही थे, जो जितने भी अभी आज अंदर आपको दिखेंगे, जो भी है, जो कन्विक्शन हुए, ये वो, तो उसकी सबकी कोई किसी की बड़ी एज नहीं थी जी, समझदारी नहीं थी जी जी, ठीक है, तो उसने वो किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में भी टाइगर मेमन अगर आए जी और यही ब्लास्ट वाले लोगों के बीच में अगर छोड़ दें जी, तो शायद यही लोग सब मिलकर मार देंगे उसको। अच्छा, तो ये सबको एहसास हो गया है कि हमारा इस्तेमाल हुआ, हमको यूज किया गया और हमारे साथ जो गलत। अब इसी समय मैं आपको सभी चीज बता चुका हूँ कि अगर हम लोगों के बीच में वो आए जी, तो शायद हम मिलकर मार दें जी। ये है, तो वो जो चीज़ थी, वो चीज़ को हमने मुझे खास तौर पे, मैंने ऐसे मेरे साथ में शायद और भी बहुत से लोग होंगे जिनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ होगा जी, लेकिन बस वो कहते ना कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये चीज़ होनी थी जी, वो मैंने आके साथ दिया गवर्नमेंट का। तो बताइए राकेश मारे साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या बात हुई? राकेश मारे साहब से ऐसे उस वक्त तो अक्यूज़ के तौर पर ही मुलाकात हुई थी, जो पहली मुलाकात हुई, उसके बाद में दौर चलता गया, उन्होंने भी देखा कि मैं मेरे अंदर सच्चाई कहीं दिखी उनको, और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने उनके सामने रखा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे इस चीज़ की गलती का एहसास है जी। तो शायद उस वक्त एम एन सिंह साहब भी थे जी, तो उन्होंने शायद बात की, या जो भी कोई डिपार्टमेंट में इंटरनल क्या बात हुई मुझे नहीं पता जी। डिपार्टमेंट ने चार्जशीट पुट आने के बाद जी एक एप्लीकेशन कोर्ट में की जी, कि बाय मिस्टेकन उस्मान नेम हैज बीन टेकन इन द चार्जशीट जी, ही इज नॉट अ अक्यूज्ड, ही इज अ अप्रूवर एंड विटनेस ऑफ द पुलिस। अच्छा, ऐसा करके उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया पुलिस की तरफ से जी। तो आई वाज ऑल्सो शॉक जी कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मेरे कुछ लेटर्स वगैरह तो मैंने दिए थे जी उसके अंदर जी। तो जे एन पटेल साहब ने मुझे पूछा कि जे एन पटेल साहब ने जी मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा ये है, तुम्हारा कुछ इसमें बारे में क्या बोलना है जी। तो एट दैट टाइम तो मैं सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे जी। तो मैंने बोला शायद मेरे लॉयर से मैं डिस्कस करके सर आपको इन्फॉर्म करता हूँ जी। फिर मिस्टर हरिहर भावे जी, जो आज भावे एंड कंपनी है जी, तो भावे साहब से मेरी बात हुई जी। भावे साहब ने मुझे मुलाकात वगैरह के लिए आते थे जी, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि इस इज़ द बेस्ट वे जी कि भाई हम सरकार की मदद भी करें, और उन्होंने भी मुझे गाइड किया जी। और उस वक्त में दौर में ऐसा था कि मेरा भी मन उस तरफ था जी, तो वो चीज़ को हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के कोर्ट में हमने बोला कि ठीक है, देन आई हैव गॉट द पार्डन, और ये वो जो फॉर्मेलिटीज होती है सीएमएम की और उसकी दैट ऑल फॉर्मेलिटीज हैज बीन डन जी, एंड आई बिकेम द अप्रूवर। तो फिर वो उनके साथ बॉन्ड कैसा डेवलप हुआ, मारिया साहब के साथ आपकी कैसे दोस्ती और कैसे है? बॉन्ड इन द सेंस कैसे था कि जब उन्होंने देखा कि भाई मैंने भी अच्छे से जो सच्चाई थी उसको सामने रखा, और डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी कोई चीज़ का वो नहीं आया जी,
तो उसके बाद में मैं जब बाहर आया तो नेचुरली बात है कि उनके हाथ में पूरा केस था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही थे जी, तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ था जी। तो मेरा अच्छा बुरा या मेरे लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट या मेरे लिए कोई चीज़ का होता था, कोई भी किसी के धमकी के फ़ोन आते थे या मुझे कोई किसी तरीके के थ्रेड उनको पता चलता था या मुझे, तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। तो उस वक्त में हमारे सब का ये था कि मेरे, मैंने उसी दिन जब उन्होंने मुझे पहली तरीके से हेल्प की, मैं तो मेरी लाइफ में हेल्प भी बताऊंगा सिक्योरिटी वगैरह जो भी, क्योंकि मैंने कोई सिक्योरिटी के लालच में या ये चीज़ के लालच में तो अप्रूवल नहीं बना था जी। लेकिन जब मुझे ये सिक्योरिटी मिली, ये मिली कोर्ट के ऑर्डर से या जिस तरह से भी, तो उस वक्त में फिर मैंने उनको अपने गॉड फादर मान लिया कि भाई मारे साहब मेरे वेल विशर है, मारे साहब जो है राकेश मारे साहब वो मेरे वेल विशर भी और मेरे गॉड फादर है। अब ये मैंने सोच लिया था कि भाई उनके बोलने पे मेरे को जीना है, उनके बोलने पे मरना है। और उन्होंने जो एक सरपरस्त होने का जो फर्ज उन्होंने अदा किया वो ये किया कि उन्होंने कभी मुझे गलत रास्ते पे जाने नहीं दिया, कभी उन्होंने मिसयूज नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे गलत ये कहा भाई ये जाके तुम ये इन्फॉर्मेशन लाओ या वो फलाना काम करो ये करो, उन्होंने कभी जिंदगी में आज तक उन्होंने नहीं किया। बल्कि कोई एक दो लोग दोस्त मुझे गलत मिला, मुलाकात हो भी गई है और उनको पता चला है तो उन्होंने बुला के मुझे डांटा है अच्छा कि इनसे दूर रहो, फिर तुमको तुम्हारी फैमिली को वहाँ पहुँचाना है जी, ये वो। तो उन्होंने उस वक्त मुझे समझाया है। तो उनकी मतलब सरपरस्ती ऐसी है कि मेरे साथ में मेरे गॉडफादर के तौर पे जी, और मेरे बड़े हैं, वो मरते दम तक वो मेरे बड़े रहेंगे। देखिए एक 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 पुलिस और एक अप्रूवर का जो बहुत फैंटास्टिक रिश्ता है वो आप दोनों के बीच में कायम रहा आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता दें आपको थ्रेड्स भी और, एक आदमी उसमें है जी, वो है दिनेश कदम साहब। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका नाम नहीं लूंगा तो चीज कंप्लीट नहीं होगी। दिनेश कदम साहब भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना राकेश मारिया साहब रखते हैं। तो अभी आप बता दें आपको थ्रेट्स वगैरह मिले हैं कुछ, आपको लाइफ में कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी रहा है ऐसे? थ्रेट्स तो काफ़ी आए जी, और वो वक्त में सब चीज़ हुआ बीच में, वो मेरे ख्याल से जिस टाइम याकूब मेमन का जी फांसी का जो ऑर्डर हुआ था जी, उस वक्त छोटी शकील की टीवी पे मुझे धमकी ओपनली आई है। अप्रूवल जो बनता है उसको रियायत दी जाती है, जिस तरह बम ब्लास्ट में इसमें कोई भी उस्मान को दी गई, उसके सुन ले मेरी बात, उसको दो गार्ड दिए गए, आज वो दंदनाते फिर रहे हैं, जिन्होंने गुनाह किया है उनको लाइफ दी गई। एक आदमी गुनहगार नहीं था, सारे एविडेंस डिपार्टमेंट ने उसे मंगाए थे, वो लेके वहां पहुंचा और उसको फांसी पे आप लोगों ने लटका दिया। ये कौन सा इंसाफ है? अगर आज हम ये कह रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप कहते हैं कि बदले की भावना है जी, और उन्होंने बोला है कि भाई दो गार्ड के साथ कितने दिन वो इस तरह से वर्डिंग है जी। तो वो वर्डिंग जो थी वो हमारे सब को ही पता चली, फिर मैंने भी शेयर किया जी, और उस वक्त इत्तेफाक से हमारे सब सीपी थे। अच्छा जी हाँ, हमारे सब सीपी थे जी, तो हमारे सब सीपी थे तो मुझे जाके बताना ही पड़ा जी, और वो उतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने मुझे टाइम दिया जी, और मुझसे बात की कि भाई यही है, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम रुको, मैं भी स्कॉटिंग भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ में और तुम स्कॉटिंग लेके जाओ। तो उसके बाद इमीडिएट उन्होंने मुझे स्कॉटिंग वगैरह दी और ये वो ऐसे करके, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी उसके बाद में? उसके बाद में बढ़ा दी गई, फिर मारे साहब हटे थे सिक्योरिटी भी हट गई। अच्छा, तो आपको नाराजगी हुई इस बारे में? नहीं नाराजगी क्या, डिपार्टमेंट से मैं नाराज कभी आज तक नहीं हुआ हूँ वरना जिंदगी में कभी होऊंगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट को मैंने अपने फैमिली के तौर पर समझाया, क्योंकि 24 घंटे से पुलिस वाला मेरे साथ रहता है जी, तो डिपार्टमेंट मेरे साथ है तो मेरी फैमिली जैसा हो गया वो। और दूसरी बात ये होती है कि आज तक जितने भी पुलिस वाले मेरे साथ में रहे जी, तीन तीन साल भी रहे, दो दो साल भी रहे, और आज 25 साल ऑलमोस्ट मुझे प्रोटेक्शन को भी हो गया, 25 से ज़्यादा ही हो गया एक दो साल, तो 25-27 साल हो गए प्रोटेक्शन को जी। लेकिन कभी भी आज तक आप जाके चेक कर लोगे डिपार्टमेंट में जी, तो डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी कॉन्स्टेबल की जी मेरी कंप्लेंट नहीं होगी, जबकि कई जगह पे ऐसा होता है कि आज जैसे आज एक गार्ड है जी, उसका खाने का वक्त होता है, वो खाना खाने जाता है या बाथरूम जाना है या कुछ उससे नेचुरल कुछ भी काम हुआ जी, तो उसमें मैं बगैर सिक्योरिटी के रहता हूँ जी, तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है जी, एक ही गार्ड है उसी को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे मेरे एडवोकेट है समीर प्रधान जी, समीर प्रधान ने मुझे 3-4 ने बोला कि उस्मान भाई मैं ये पिटीशन डाल देते हैं हम लोग जी, और तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी तरह से अच्छी होगी, ये होगी वो होगी ऐसी है वैसी, क्योंकि बीच में मुझे कार्बाइन दी गई थी सबके अंदर, रिवॉल्वर है कल। अच्छा, तो आज मुझे इतना मालूम है अगर कोई आतंकवादी अटैक मेरे ऊपर होगा जी, चाहे वो ISI की तरफ से हो, डी कंपनी की तरफ से हो या कहीं से भी होता है मुझे अटैक जी, तो वो विदाउट मशीन गन 47 के बगैर कम से तो होगा नहीं जी, ठीक है। अब मैं रिवॉल्वर से क्या कर पाऊंगा
क्या होगा ये आप खुद जान सकते हो, डिपार्टमेंट को समझना चाहिए जी। तो ये मेरी एक शिकायत है डिपार्टमेंट से जी के प्रोटेक्शन को लेके, लेकिन फिर भी मुझे अपनी तकलीफ का एहसास कोर्ट तक नहीं पहुंचाना है जी, आपके जरिए मैं उनके कान तक पहुंचा सकता हूं इंशाल्लाह। अब ये जो लोग देखेंगे मुझे लगता है उस पे इन लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उस्मान भाई आपको अब जबकि आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं और सब आप जानते हैं आपके बारे में कि आप जो है पूरी तरह से सोशल कार्यों में आप पूरी तरह से मसरूफ़ हैं, तो कहीं आपको बुलाया जाता है एज ए गेस्ट कोई अवार्ड के लिए, कोई आपको अप्रिसिएशन के लिए, ऐसी जगह आपको बुलाया जाता है? काफ़ी जगह होता है ऐसा, मौका तो काफ़ी आए हैं जी। दिल्ली वगैरह में भी रिसेंटली भी मुझे सूफी इस्लामिक बोर्ड जी जो है जी उन्होंने अवार्ड के लिए बुलाया था जी, अच्छे कामों के लिए जी, जिसमें हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब थे जी और एसएम खान साहब जो सीबीआई के मतलब बिगल डायरेक्टर पोस्ट पे थे वो थे जी, उनके साथ में मेरा स्टेज शेयर हुआ है जी, साथ में उनके मेरे फोटोग्राफ्स हैं जी। और काफी ऐसे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जी जहाँ पे मैं जाता हूँ एज ए गेस्ट जी और उसमें अपीयर करता हूँ। तो लोग आपको अनटचेबल नहीं समझते, आपको लोग दूर नहीं रखते? नहीं, अब दूर रखने का मसला नहीं, मैं तो पब्लिक फिगर में पब्लिक के अंदर हूँ, लोगों की सेवा के अंदर हूँ, पब्लिक के अंदर जाना आना है जी, तो मैं अपने आप को उसमें नहीं, जितना भी अच्छे काम हो सकते हैं उसके अंदर मैं शामिल हो जाता हूँ, उसमें मेरा परहेज नहीं है। अप्रूवर बनने से लेके अब तक का सफ़र, तो आपने क्या काम किया, क्या प्रोफेशन करते थे, आपने फैमिली को कैसे सपोर्ट किया, क्या कर रहे थे आप? देखिए ब्लास्ट के बाद ही मेरी शादी हुई जी, मतलब ये आने के बाद अप्रूवर बनने के बाद मेरी शादी हुई 96 में मार्च में हुई थी। जब मैं आता तो आपकी शादीशुदा थे माशाल्लाह जी 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 जी। और उसके बाद में बेटी भी थी जब आप आते थे तो बेटी हाँ, छोटी बच्ची थी बढ़िया जी। तो उसके बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया जी, फिर उसके बाद में रेस्टोरेंट था मेरा नीचे नवाब शेख पराठा करके, शायद आपकी मूवी के अंदर उस टाइम में वही दौर में आपकी हाँ, मूवी आई थी जब मैं, फिर मैंने कोको कोला की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया अच्छा ऑल ओवर अंधेरी की थी जी मेरे पास में, तो कोको कोला डिस्ट्रीब्यूशनशिप काफ़ी टाइम तक चलाया जी। फिर मैंने फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट का काम किया जी, फिर फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स का काफ़ी टाइम तक किया, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था इसलिए मैं दुबई जा नहीं सकता था उस वक्त में उधर अच्छा, में अच्छा। तो यहाँ से बैठ के ही मैंने काम किया वो जी, और फ्रूट एक्सपोर्ट वगैरह में कुछ पैसे भी वहाँ रुके जी, जो आज तक मुझे थोड़े थोड़े करके आते हैं अच्छा, और मैं लेते रहता हूँ। तो फिर दुबई गए आप, बाद में पासपोर्ट मिला? बाद में पासपोर्ट मिला मेरा, मैं दुबई गया, मैं हांगकॉन्ग गया, मैं चाइना गया, मलेशिया गया, यूरोप गया, यूएस गया, वियतनाम गया, कंबोडिया गया, तो वर्ल्ड की मेरे ख्याल से अच्छी खासी जगहों पे मैं सऊदी गया जी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि वहीं जाके बस जाऊं यहाँ भारत वापस? नहीं, मैंने बीच में सोचा था जी 2010 और 12 के बीच में जी, मैंने इरादा किया था कि शायद मैं जाके कहीं सेटल हो जाऊं जी दूसरी जगह जी, लेकिन सब जगह जाने के बाद में जी लास्ट में जो हमारी मुंबई है जी वो छोड़ती नहीं है, और मुंबई आदमी को वापस आना है सही बात, और इंडिया से अच्छी जगह जी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, देश की मिट्टी, तो इसके लिए हम मुझे देश की मिट्टी जो वर्ड है हमारा, हमारी मातृभूमि बोलो या हमारी भारत माता बोलो जी, तो हम जो है ना इससे लगे हुए हैं और इससे हम जुदा नहीं हो सकते। सही बात है बिल्कुल, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, ये हमारा ईमान बिल्कुल। तो ये पासपोर्ट फिर आपको मिला कैसे, गवर्नमेंट ने दिया किसी को कुछ बताया ना उसके बारे में? नहीं, पासपोर्ट का ऐसा हुआ, रमन त्यागी जी जो सीबीआई के थे जी, उनसे मैंने बोला कि मेरे पासपोर्ट चाहिए, जाना आना है, बच्चों को भी लेके जाना है ये वो, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जी, और वो मेरे ख्याल इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे, इंडियन एक्सप्रेस और मिड डे आनंद ओला जी, तो उन्होंने वो लेटर को उस पर प्रिंट भी किया था जी, तो लेटर में उन्होंने लिखा था कि भाई पासपोर्ट दे दो, इसमें अप्रूवल नो मोर अक्यूसी ये वो, ऐसा करके उन्होंने लेटर लिखा था जी। बाद में मैंने वो लेटर भी दिया पासपोर्ट ऑफिस में, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस में वो लेटर को भी मेरे ख्याल से इग्नोर किया उन्होंने। अच्छा, अब वो क्यों इग्नोर किया, क्या इग्नोर किया, दे नोज बेटर जी। तो उसके बाद में मैंने मुझे कोर्ट से कोदे साहब के टाइम की बात है ये तो कोदे साहब ने जो है वो मुझे वो कर दिया था, क्या कहते हैं ये कि भाई मीडिया को तुम कुछ इंटरव्यू नहीं देंगे, तो 6 मंथ का उन्होंने कुछ उन्होंने मुझे मना किया था। तो मैंने आनंद वोला जी का एक दिन फोन आया था, आपकी बड़ोदर मुलाकात हुई थी तो उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कि वो उस्मान में क्या चल रहा है ये वो, हमने सुना है तुम्हारे पासपोर्ट का कुछ मसला है ये वो, तो मैं बोला भाई मैं मसला तो है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्यों मुझे मना किया गया जी। तो बोले भाई मैं आपकी वाइफ से तो बात कर सकता हूँ जी, तो मैंने बोला ठीक है मेरे वाइफ से बात कर लो, तो मैंने आपकी भाभी को फ़ोन दे दिया, उन्होंने बात की है, वो उनकी भाभी से बात बात होने के बाद
उन्होंने वो मीडिया में डाल दिया जी। अब मीडिया में डालने के बाद में मुझे हमारे सबका फ़ोन आया जी कि उस्मान ये क्या है पेपर में आया हुआ ये वो। बोले सर मुझे तो पता ही नहीं जी, कल ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने बोला तुमको पुलिस ने कहा NOC नहीं दिए, तुम जाओ फ़ौरन जाके वहाँ से NOC ले लो तुम्हारी जी जी। तो मैं फ़ौरन गया तो दिनेश कदम साहब के पास में जी। तो दिनेश कदम साहब ने बोले मेरे को बोला क्यों नहीं, बोलना चाहिए था, ये तो चीज़ रेडी है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो उन्होंने भी मेरे को NOC दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पासपोर्ट मेरा आ गया। और पासपोर्ट आने के बाद में फिर जो सफ़रनामा मैंने आपको बताया सब जगह सफ़र की फैमिली के साथ। अच्छे पत्रकार होते हैं जी, और एक अच्छा पत्रकार एक अच्छे सिपाही एक अच्छे डॉक्टर की तरह अच्छा होता है। आई मस्ट से थैंक यू आनंद होला फॉर हेल्पिंग हिम आउट फॉर गेटिंग द पासपोर्ट। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फ्रॉम माय साइड आल्सो। आनंद होला जी बहुत बहुत आपका थैंक्स है, आपने मुझे फ़ोन नहीं किया अभी तक, आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, आपकी एक पार्टी एक चाय मेरे साथ ज़रूर आप कभी भी आइए। अब इंशाल्लाह सुन के आएंगे, अब वो ये सुन लेंगे आप आएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। थैंक यू मिस्टर होला। तो आई वॉज थिंकिंग कि फिर अभी आपने रिसेंटली मैंने सुना कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी आपने, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए थे, आप समाज सेवा कर रहे हैं। अभी मैं BJP में हूँ। अच्छा, कब ज्वाइन की BJP आपने? BJP ज्वाइन करके 6 साल हो गए मुझे। अच्छा जी, BJP क्यों ज्वाइन किया आपने, और कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? सच्चाई इसमें नजर आई। अच्छा, तो BJP में कौन से आप डेजिग्नेशन? मैं माइनॉरिटीज में पहले मैं सचिव करके ज्वाइन हुआ था जी, महाराष्ट्र सचिव जी, अब मैं महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, माइनॉरिटी सेल में। अच्छा, तो आपने कोई और ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है ना? मेरी एक BJP में आने से पहले जी मेरी एक मुस्लिम सेवा संघ करके है जी, जिसके अंदर काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं जी, और उसमें अच्छे कॉजेस हम कर रहे हैं काम। मुस्लिम सेवा संघ जी, यानी जैसे राष्ट्रीय सेवा संघ है वैसे आपने एक मुस्लिम सेवा संघ बनाया है। जी जी, उसी को आप समझ लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय सेवा संघ एक अलग चीज है जी, वो जो हिंदू हित में और हिंदुत्व के बारे में बात करती है और एक देश के लिए अच्छे कॉज के हिसाब से बात करती है। RSS से मुस्लिम सेवा संघ का जी कोई लेना देना नहीं है जी, बहुत ज्यादा सेपरेट, लेकिन ये है कि उनसे कुछ चीजें सीख के जी मैं हमारे मुस्लिम सेवा संघ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, ताकि हमारे मुसलमानों को भी उस तरह से कुछ ऐसी लाइन ऑफ एक्शन मिले जिससे हम भी इस तरह से कुछ काम कर सके। अच्छा, अच्छे काम। तो मुस्लिम सेवा संघ विल बी ओनली फॉर मुस्लिम समाज? नॉर्मली तो इट इज़ फॉर ओनली फॉर मुस्लिम समाज जी, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें कोई नहीं, खाली ये नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए है जी। जैसे अभी कोविड के अंदर जी लाशें जो लोग नहीं क्लेम कर रहे थे, नहीं उसको दफनाया जा रहा था ना उनको अपने उधर शमशान में ले जाया जा रहा था जी, तो उसके लिए मुस्लिम सेवा संघ ने काम किया जी, और मुस्लिम सेवा संघ ने काफी हिंदू बॉडियों को लेके और हमने उसके लास्ट राइट जो थे वो पूरे किए जी, और करने के बाद में इस्कॉन से हमारी बात हुई थी। अच्छा, रामकृष्ण इस्कॉन के अंदर से हमारी बात हुई थी। इस्कॉन वालों ने बोला कि आप लोग कर लो जी, और आप लोग अस्थियां हमको दो जी, और जो खर्चा आता है वो हम दे देंगे, आप ये करो। तो मुस्लिम सेवा संघ ने वो काम भी किया है इस्कॉन के लिए जी, और हमने वो काम करके एक इंसानियत दिखाई है उसके अंदर। अच्छा, तो मुस्लिम सेवा संघ ये नहीं है कि खाली मुस्लिम के लिए, लेकिन ये है कि आज मुसलमानों के लिए बोलने के लिए कौन है जी, तो मुस्लिम सेवा संघ, तो हमने मुस्लिम सेवा संघ बनाई है, और हमें किसी तरीके कॉन्ट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम सेवा संघ को जी। हमारे मुस्लिम सेवा संघ में आपको शिवसेना का भी आदमी मिलेगा जी, BJP का भी मिलेगा जी, राष्ट्रवादी का भी मिलेगा जी, कांग्रेस का भी मिलेगा जी, और जितनी भी दिगर पार्टियां हैं MIM का भी मिलेगा जी। तो हमारी मुस्लिम सेवा संघ हमारे कोई पार्टी से हमको मतभेद नहीं है जी, जो भी पार्टी हमारे यहाँ आना चाहती आए, हम सिर्फ मुसलमानों के अच्छे हित के लिए काम करते हैं। मैंने एक मुस्लिम यूथ आइकॉन अवार्ड भी वो शुरू किया था जी, ये आज से मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले जी, तो 7 साल से वो भी चल रहा है। ऐसे हमने कई ये लोगों को अवार्ड दिया है जिससे मतलब मुसलमानों का एक नाम रोशन हो। अच्छा, ऐसे कई लोगों को हमने किया, तो मुस्लिम यूथ आइकॉन अवार्ड रखा था, किसी ने मुझे इस पर बोला भी उस्मान भाई ये मुस्लिम यूथ आइकॉन अवार्ड क्यों रख रहे हो आप जी, तो मैंने बोला भाई मुसलमानों को अवार्ड देने के लिए कोई नहीं है आज पूरे हमारे हिंदुस्तान में जी, आप ये बताइए कि मुसलमान को अवार्ड देने के लिए कोई नहीं है। तो हमने कम से कम वो पहल की कि मुस्लिम यूथ आइकॉन अवार्ड हमने शुरू किया था। अच्छा, उसके अलावा हमारा रोटी बैंक चल रहा है, हर साल हम करते हैं। अच्छा, लेकिन कभी हम उसको अच्छे पैमाने पे कर लेते हैं, कभी हम उसको नॉर्मल वे में कर लेते हैं, जैसा भी जिस तरह होगा उस तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं है जी, ना हम किधर से फंड ले रहे हैं जी, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बल पे अपने उससे कर रहे हैं।
अपने जो बिजनेस के जरिए जो आपकी जो बिजनेस करने के जरिए जो है हमारे कंट्रीब्यूशन आपस में जो करके हम कर ले, किसी से हमने आज तक फंडिंग ली नहीं तो है। MSS का कोई RSS से कोई मतभेद कोई झगड़ा नहीं, कोई ना मतभेद है और ना कोई लेना देना है। RSS अगर हमको बुलाएगी तो हम RSS के साथ बैठ के हमारे मुसलमानों के जो कॉसेस है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के शेयर करने को भी तैयार है। अच्छा, तो ये अभी जब आप मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम आइकन अवार्ड दे रहे थे, और अब मैंने सुना कि अब आप जो है कुछ एक पुलिस फोर्स इन जनरल के लिए आप कुछ एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो मैं सुन के बहुत इंटरेस्टेड था कि ये क्या कदम आप उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं ये? नहीं, दरअसल ऐसा है कि आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो है ना देखो सैलरी तो एक अपनी जगह पे है, उनको वो सैलरी भी नहीं है जितनी उनकी मेहनत है। मेहनत के सामने उनकी सैलरी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इस पर हम बोलने का कोई हक रखते भी नहीं है और हमको बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि उनकी जो नेचुरल तकलीफ है, जो फैमिली की तकलीफ है, उसके लिए तो हमको क्या हर इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि आज 24 घंटे वो बंधे हुए हैं, चाहे बंदोबस्त में आप बोलो या आप बोलो कि मतलब हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं राइट्स हो रहा है, कहीं कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बेचारे मजबूर है, उनको एक ही चीज़ है कि बंदोबस्त लगाओ, ड्यूटी पूरी करो, छुट्टी बंद हो जाती, ये हो जाती, इस तरह के काफ़ी उनके साथ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई है नहीं और ना किसी ने उनकी प्रॉब्लमों को सोचा है, ऐसा मैंने अपना ऑब्जर्व किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ में मैं रहता हूँ तो मुझे एक लगाव है पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि भाई मेरे एक फैमिली मेम्बर्स हूँ मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, तो फैमिली मेम्बर के तौर पर मेरे एक कर्तव्य है कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकूं, चाहे वो किसी तरह की भी मदद हो तो वो मुझे करने का एक शौक है और मेरे दिल में एक कई सालों से है, लेकिन ये स्पेशली हमारे 25 साल की सेलिब्रेशन में हम ये मुद्दे को ला रहे हैं, तो ये आई एम थैंकफुल फॉर यू कि भाई आपने मुझे इसका एक मौका दिया और मैं अपने दिल की बात आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें मैंने एक हमारी टीम बनाई है तो हमारी एक बहन है सबा कुरैशी, एडवोकेट है वो और उन्होंने काफ़ी कुछ केसेस को किया भी है, कोर्ट में अपीयर किया है अब वो कौन से केसेस के किया आप उनसे ज़्यादा पूछ सकते हो तो वो हमारी बहन की हमने सपोर्ट ली है इसमें, लीगल एडवाइज़र हमने उनको रखा है, PL फाइल करने के लिए उनको रखा है और मुद्दे हैं मैं आपसे शेयर करूँगा मुद्दे और जो मुद्दों पर हमको एक PL वगैरह फाइल करना है डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए, डिपार्टमेंट की बच्चों की और हमारे आने वाले फ्यूचर, डिपार्टमेंट के बच्चों का फ्यूचर के लिए वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप कोई एक मुस्लिम समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी कुछ लोग ISIS के साथ जुड़ जाते हैं, अभी हाल में कुछ NID ISIS के लोगों को पकड़ा था, तो आप मुस्लिम यूथ को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी मुस्लिम सेवा संघ से भी हमने संदेश दिया है कि हम किसी भी मंदिर मस्जिद इसकी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहिए हमको कोई भी भड़कावे चीज़ के अंदर आना नहीं चाहिए, खास तौर पे हमारे बच्चों को एक ही चीज़ का काम होना चाहिए, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज मस्ट एजुकेशन, हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए और हमारा काम उसी पे चल रहा है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे UPS के एग्ज़ाम दिलाएं, IAS IPS ऑफिसर्स बनाएं, ज़्यादातर बच्चों को हम पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, जितना हमारे बच्चे पढ़ेंगे उतनी हमारी जनरेशन चेंज होगी और उसी के ऊपर आज दारोमदार पूरा पढ़ाई के ऊपर है। आज देखो दूसरी कम्युनिटी भी है ना, आज हमारे से बहुत कम लोग परसेंटेज की कम्युनिटी है लेकिन उन्होंने अपने आप को बदला है, पहले वो कुछ थे अब कुछ है तो आज उस कम्युनिटी के को देखते हुए भी हम अपने आप को बदल सकते हैं तो आज हमें बदलना है और ये सब जो जो खुराफात की चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े की चीज़ें हैं, जो लोगों के अंदर भड़काव का और पूरे जनरेशन बर्बाद होने की चीज़ें, इससे हम दूर रहें। देखिए जो जो फैसले अभी आए हाल के दिनों में उसमें हम कैसे साइलेंट जोन पे हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर कोई भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, साइलेंट जोन पे रहना चाहिए, वक्त और हालात अपने आप को बदलता है, पहले हम अपने आप को बदलना सीखें और वो बदलना बदलाव जो हमारे अंदर आएगा वो सिर्फ पढ़ाई से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि उस्मान भाई एक ऐसी शम्मा है जिससे वो बहुत से चिराग रोशन करने की बातें कर रहे हैं, यानी जब भी कोई ऐसा चिराग हो उस चिराग की रोशनी को हमको बरकरार रखना चाहिए। सो आई थिंक हम सबको उस्मान भाई के साथ देना चाहिए और हमको उनके इन तमाम इस किस्म के इकदाम में उनकी मदद करना चाहिए और तआवुन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारा सेलिब्रेशन 25 साल का बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत बढ़िया था और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं खुद भी आपको और शायद PL के बाद मेरी बहन का भी मैं उतना ही शुक्रगुजार हूंगा और अगर हमारे पुलिस वालों के लिए कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत मतलब आप लोगों का एहसान।
सो आपने देखा कि उस्मान भाई ने जो अपनी पुलिस दोस्ती को बरकरार रखते हुए, यानी उस ज़माने में एक आतंकवादी हमले के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया, उन्होंने पुलिस का बहुत साथ दिया और पुलिस के दोस्त और हमदर्द बने रहे। आज 25 साल बाद आज अपने ख़ुद की अपनी इनकम से, अपने बिजनेस से वो पुलिस को हेल्प भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम जो उठाने की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी उन्होंने नाम लिया है एडवोकेट सबा कुरैशी का। एडवोकेट सबा कुरैशी को अगर आप लोग ना जानते हो, मैं खाली उनके बारे में छोटा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि उन्होंने अबू सालिम के एक्सटेंडेशन के बाद उसको रिप्रेजेंट किया था। फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी पे जब केसेस आए थे तब उन्होंने ममता कुलकर्णी को रिप्रेजेंट किया था। सबा कुरैशी उस वक्त जो हैं उनकी लीगल ईगल हैं, शी इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग हिम इन द हाई कोर्ट फॉर फाइलिंग द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पुलिस के फेवर में जो अभी उस्मान भाई कह रहे थे, आप लोगों ने सुना कि वो कह रहे थे कि किस तरह से उनकी हमदर्दी में जो देख रहे थे डिपार्टमेंट के ये लोग बेचारे बार बार इकट्ठे काम करते हैं, परेशान रहते हैं और उनके अचानक तबादले हो जाते हैं, तो हम लोग इस वक्त एक लीगल ओपिनियन जो है वो सबा कुरैशी साहिबा से सुनते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सबा। हेलो एवरीवन। जी, इस PIL के बारे में कुछ बताइए ना, क्या है ये? मिस्टर उस्मान जी ने अप्रोच किया था हमको, कई दिनों से अप्रोच कर रहे हैं जी। वो काफी डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है स्टेट में जी, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टॉप करती है जी, ये सब होने के बाद भी वो लोग काफी सफर करते हैं ड्यूरिंग देयर ड्यूटी टेन्योर जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमने काफ़ी डिस्कस किया, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, कई दिनों से हमारी बात हो रही है इस बारे में, तो हमने भी रिसर्च किया जी। कई पुलिस ऑफिसर्स काम के चलते इतना स्ट्रेस होता है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। देयर आर मेनी रीजंस कि वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं जी, इन स्पाइट ऑफ दे सेक्रीफाइसिंग देयर एंटायर फैमिली लाइफ हैप्पीनेस, ये सब करने के बाद हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। देयर आर थिंग्स ऑन पेपर्स जी, बट अगर प्रैक्टिकल आप देखो तो बहुत इंटरनली बहुत सफर कर रहे हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसफर के दौरान उनकी फैमिली का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, वर्किंग आवर्स जो हैं और हॉलीडे लीव्स जो उनको होती है, हर बार उनकी लीव्स मैक्सिमम टाइम वो कैंसिल होती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं जी। और अब उस सब इश्यूज को लेके हम एक कोर्ट में PIL डालने की सोच रहे हैं जी। और अब रिसर्च चल रहा है इसमें। तो क्या क्या रिसर्च में आपके अपने रिसर्च में क्या क्या पाए अब तक आपने जो रिसर्च की इसमें? बहुत सारे, जैसे कि ट्रांसफर्स होते हैं तो उनको क्वार्टर्स नहीं मिलते, उनको पर्सनल अपने अकोमोडेशन लेना होता है जी। और बच्चे लोगों को स्कूल का प्रॉब्लम आता है और सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है व्हिच इट इफेक्ट्स देम जी। फैमिली लाइफ तो बहुत इफेक्ट होती है और उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब उसको अगर लेट आवर्स, समझो लेट आवर्स वर्क करें तो ऐसे भी अगर ट्रांसफर्स ना देखा जाए, ऐसे भी ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स डेज आल्सो वो लोग इतने एक्सीड कर लेते हैं अपनी वर्किंग आवर्स कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, कोई फेस्टिवल में पार्ट नहीं, आधे टाइम तो सिर्फ वो बंदोबस्त में VIP मूवमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। और हमारे महाराष्ट्र में तो अलग अलग कास्ट एंड क्रीड के लोग हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हर बार पुलिस को बंदोबस्त में, सिटी पुलिस को लगाया जाता है। और ए, किसी त्योहार को हमको छुट्टी नहीं मिलती, बस खड़े रहो बंदोबस्त में, खड़े रहो बस, विच इज नॉट राइट। देयर वर्क इज फॉर कंट्रोलिंग द क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, और इससे उनको कन्विक्शन लाना होता है जिसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो बंदोबस्त में और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, बट जहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो काम करना है उसमें वक्त नहीं दे पा रहे, इतना सा टाइम है और इतना बंदोबस्त है, तो उनको वो सब चीज़ें नहीं मिली और इसके बाद भी उनको फैसिलिटीज नहीं है कुछ भी। सो इनके सफरेंस बहुत कुछ सामने आए, जो अगर लेट वर्किंग आवर्स हैं तो कॉम्पनसेशन भी नहीं है कि कुछ उनको एक अलाउंस दिया जाए कि जी। आप लोगों ने लेडीज भी 8 hours बोल के 12 hours काम कर रही हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं रिसर्च के दौरान आए, और भी रिसर्च चल रहा है, तो जल्दी ही आई विल फाइल अ PIL बिफोर द कोर्ट रेजिंग दिस इश्यूज। किसी NGO ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी ने आज तक ये इशू रेज नहीं किया, जो मिस्टर उस्मान जी के दिमाग में ये बात आई। हम भी इसी उठा रहे हैं बॉस, हम भी इसी में रहते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉयर तो रोज हमारा उनके साथ इंटरेक्शन होता है जी, बट फिर भी हम लोगों ने कभी इतने डीप में नहीं देखा, लेकिन मिस्टर उस्मान जी जो है उन्होंने ये टॉपिक लाया ना, आई फाइंड इट टू बी अ वेरी। तो मेरा सिर्फ छोटा सा यहाँ पे जो मेरा क्यूरियोसिटी का मुद्दा ये है कि ये उस्मान भाई जो मुस्लिम सेवा संघ चला रहे हैं, इज ही द राइट पर्सन टू फाइल द PIL? यस, एनी
मतलब चूंकि वो जो है मतलब उनका खुद का जो बैकग्राउंड था, अब जो वो जिस बैकग्राउंड से आगे बिजनेसमैन है वो, बिकॉज ही इज़ नॉट सम सोशल वर्कर नहीं है, सॉरी ही इज़ नॉट सम सोशल वर्कर, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट सम मिनिस्टर, वो एक आम नागरिक है। आम नागरिक जो है वो इस मामले में जाके, इस मुद्दे में जाके अगर उसे चाहिए तो शायद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो क्या ये सही डायरेक्शन है? राइट अप्रोच भी तो कोर्ट की है ना। अच्छा, और पास टिंटेड हो तो इसका मतलब नहीं कि रिफॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, और हमेशा उन्होंने अगर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ दिया है तो आज क्यों नहीं? अच्छा, तो ये बिकॉज वो एट लार्ज, आप खाली बॉम्बे पुलिस के लिए करेंगे, महाराष्ट्र पुलिस के लिए करेंगे? हम महाराष्ट्र पुलिस, एंटायर स्टेट पुलिस के लिए करने वाली हैं। तो आप इसमें स्टार्ट ऑन अ स्मॉलर स्केल देन आई लाइक रोज दिया था। तो आपको इसमें कुछ रुकावटें समझ में आती है कि इसमें कोई मसला होगा या स्टेट की तरफ कोई ऑब्जेक्शन होगा? होगा, महाराष्ट्र पुलिस अपोज कर सकती है कि आपने क्यों फाइल किया, या जिन्होंने आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया है, जो दिया लॉज प्रोविजंस और रूल्स हैं जी, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया तो उनको तो प्रॉब्लम आ सकती है, दे मे क्रिएट अ हर्डल फॉर मी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको लग रहा है इसमें कोई मसला हो सकता है, उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है? बट तब भी आप पार्टी टू दिस प्रोसीडिंग ना। तो उस्मान भाई, आप इस बात के तैयार हैं? आपकी रुकावटें और परेशानी जो रुकावटें परेशानी तो हर काम में, हर अच्छे काम में रुकावट परेशानी लगी हुई है, उसके बगैर तो अच्छा काम हो ही नहीं सकता है बगैर रुकावट। और मैं ये जो है जब हमारी पीएल बनेगी तो मैं एक लेटर लूंगा हमारे फडणवीस साहब को, जो डिप्टी सीएम है और होम मिनिस्टर है, उनके हाथ में दिया हुआ है, तो मैं उनको भी जाके पहले ये लेटर भी दूंगा। वो लोग तो रिस्पोंडेंट होंगे ना, तो एसपीआईएल में तो दिल भी रिस्पोंडेंट दे विल, बट मैं उनसे जाके, क्योंकि एज ए बीजेपी पार्टी में मैं हूँ जी, तो जी, मैं जाके उधर भी अप्रोच करूंगा जी, और बोलूंगा कि सर ऐसा 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 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज है जो जेन्युइनिटी जो है ना जी, अगर आपको वक्त है तो मैं आपसे शेयर करूँ जी, अगर आप बोलते हो तो जी। तो असल में कैसा है कि देखिए, आज जो नॉर्मली मैंने जो ऑब्जर्व किया है जी पर्सनली, आज डिपार्टमेंट का ट्रांसफर होता है जी, मैं ये एक नीचे हवलदार से लेके सीनियर पीआई तक की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर की कोई बात नहीं कर जी। आज इनका ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर हो गया फलाने टाइम पे ट्रांसफर, पहली बात तो वैकेशन होने के बाद में वैकेशन के टाइम पे ट्रांसफर होना चाहिए ताकि वो जाए। तो मैंने कुछ ये भी देखा कि अभी वैकेशन के टाइम पे ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये ट्रांसफर होता है ना तो नॉर्मली जो सैलरी है उनकी उतनी पूरी घर को होती नहीं है जी, तो उनके हर एक के, आज हमारे आपके सबके किराने की दुकानें बंधी हुई हैं जी, तो उनके पैसे बाकी रहते हैं जी, ठीक है। अब वो जब उनकी सैलरी का टाइम नहीं होता है और बीच में ट्रांसफर आ जाता है जी, अब ट्रांसफर आता है तो नेचुरली उनको 24 घंटे में जाके हमें रिपोर्टिंग करना है जी। अब वो या तो वो रिपोर्टिंग करें जी, या तो अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाएं जी, या तो वो किराने का पैसा दें जी, या सामान को ट्रांसपोर्ट करें अपने, तो उनको काफी एक ट्रांसफर के सामने इतनी चीजों का सामना करना पड़ता है जी। आपका किराने की शॉप का पैसा जी, उसके बाद यहाँ के घर का शिफ्टिंग का जी, बच्चों की स्कूल का जी, और उसके बाद अब ये ट्रांसफर हो गया, बेचारे ने लेके कैसे भी करके उधार नगद करके अपने फैमिली से लेके वहाँ ट्रांसफर हो गया जी। अब ट्रांसफर होने के बाद उसके पास घर नहीं है जी, क्योंकि क्वार्टर्स हमको उसी टाइम अवेलेबल नहीं है जी। अब क्वार्टर्स है ही नहीं, वो बेचारा महीना भर, दो महीने, 15 दिन क्वार्टर्स के लिए जा रहा है, बच्चों को किसी के वहाँ रखा है या यहाँ रखा है। अब वो जब 1 महीना 20 दिन 2 महीने घूम रहा है, घूमने के बाद में उसको क्वार्टर्स मिल गया, पता चलो वहाँ आया तो पहले वाले ने लाइट का बिल नहीं भरा है, उसका लाइट कटी हुई है जी, तो वो लाइट का बिल वो भर रहेगा जी। फिर फैमिली को लाएगा तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसके पास पैसे है नहीं है जी। तो मेरा एक ऐसा सजेशन था, एक रिक्वेस्ट थी, तो ये रिक्वेस्ट हम कोर्ट के सामने ही कर सकते हैं, दूसरी जगह तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं जी। के तो ये था कि भाई उनको एक ऐसा पैकेज दिया जाए जी, जिस पैकेज के अंदर उनका ट्रांसफर हो, उनका वहाँ का क्वार्टर्स हो, उनके बच्चों के एडमिशन हो, उनको यहाँ का ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो, ये ऐसा एक पैकेज हमारे वहाँ क्यों नहीं हम कर सके? जब हम आज डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, आज हमारा देश डिजिटल हो रहा है जी, आज हम दुनिया के अच्छे काम के अंदर हमारे अपने आप को हम वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं जी, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते जी? ये काम कोई करना कोई बड़ी चीज नहीं है, सही बात है। तो अगर ये काम हो जाए जी, तो मैं हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के मुख्यमंत्री का और सारे लोगों का शुक्र गुजार हूँगा अगर ये काम हो जाए तो। मेरा एक ऐसा होगा कि इतने साल की जो मुझे पुलिस ने प्रोटेक्शन दी है उसके लिए मैं कुछ कर सका। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं उस्मान भाई। आपको पता है ना कि कुरान शरीफ में लिखा है कि किसी ने अगर एक शख्स को की ज़िंदगी बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और अगर किसी ने एक शख्स को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। उस्मान भाई इस वक्त जो है एक पूरे स्टेट की पुलिस को एक नई ज़िंदगी देने की बात कर रहे हैं, ख़ुद एक इतनी बड़ी तकलीफ़ और इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस बर्दाश्त करके, और सभा जी उनके साथ हैं,
तो आई रियली फील कि ये दोनों मिलकर के इनकी जो टीम जो एक काम कर रही है, मेरे ख्याल से हर पुलिसकर्मी को और हर एक अच्छे नागरिक को इन दोनों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर के वो अच्छा काम कर रहे हैं। सो मैं आप दोनों को जो अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी जो है दिली और मुखलिस ख्वाहिशात कि आप दोनों कामयाब हो जाएं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये इंफोटेनमेंट का 25वां एपिसोड मेरे दोस्त उस्मान जान खान की दोस्ती के 25 साल होने की खुशी में आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपने देखा ये एक बेहतरीन, एक बहुत ही बहादुर इंसान है। आपने आज तक देखा होगा कि लोग या बहादुर होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है मसलहत अंदेश और बहुत ज़्यादा समझदार और हकीम होते हैं। उस्मान भाई में आपको ये दोनों चीज़ें साथ में मिलेंगी। इन्होंने देश की खातिर, मुस्लिम समाज की खातिर जो हकीमाना और जिस मसलहत अंदेशी का जो उन्होंने मुजाहरा किया है, वो जाहिर करता है कि अल्लाह ने इनको नवाज़ा है बहुत ज़्यादा अक्ल से, समझदारी से, फहम से, जो आज बहुत से लोग जिसे महरूम हैं। और फिर अपनी हकीमाना रविश के अलावा आपने देखा होगा इनके अंदर काफ़ी हिम्मत भी है, काफ़ी करेज भी है, काफ़ी बहादुरी भी है, जो आपको आज अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस में और आपको ऐसे लोग जो बहुत मजबूत ओहदों पर होते हैं आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी। सो मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई जैसे और लोगों की ज़रूरत है जिनमें अक्ल, फहम, हिम्मत, समझदारी, सूझबूझ दोनों हो और फिर इसके बाद इस माशरे की इस्लाह करने का इरादा भी हो। आज बहुत से लोग हैं वो सिर्फ अपनी अपनी समाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, ठीक है पैसे कमा लिए, फैमिली खुश है, बच्चे हो गए, मैं सेटल हो गया, चलो ठीक है आराम करो, किसको परवाह पड़ी है, जाओ हज जाओ, जाओ ज़ियारत करो, जाओ सो जाओ। नहीं, उस्मान भाई नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं, यानी माशाल्लाह भी आपसे कहा कि नाना बन गए हैं, दादा बनने वाले हैं, फैमिली वेल सेटल्ड है, बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी मैं समाज के काम में आना चाहता हूँ, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा करना चाहता हूँ, मैं चैन से नहीं बैठूँगा, मैं अपनी इनकन्वीनियंस को नहीं सोचूंगा, मैं किसी ना समाज को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। मुस्लिम सेवा समाज के ज़रिए एक मुस्लिम युवक ये कर रहा है, आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट हिम और हम सब उनकी दुआ करें कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह।